मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बोलो बोलो ना, बेधड़क होकर कहो जो भी तुम्हारे दिल में है। दिल ही की बात है मामू, इलोही मेरे दिल में कह रहे हैं कि मैं आपसे सच कह दूं कि रेचल मुझे पसंद है। इसमें क्या बुराई है, तुम बेशक रेचल को पसंद करते हो। वैसे नहीं मामू, मेरे मुहाफिज मेरे इलोही के कहने पर मैं चाहता हूं कि रेचल हमेशा के लिए मेरी हो जाए। तो ये मामला है। तुम्हारा इलोही अब्राहम और लाहौर को अलग करता है और जेकब और रेचल को मिलाता भी है। खैर, अगर तुम्हारा इलोही तुमसे कुछ कहता है मेरी बेटी रेचल के बारे में कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन तुम्हारा इलोही कुछ भूल नहीं कर रहा? उसने तुमसे मोहर के बारे में कुछ नहीं कहा? मैं जानता हूं तुम एक नेक दिल के मालिक हो, और यह भी जानता हूं जेकब कि यह नेक दिल मेरी बेटी रेचल से मोहब्बत करता है। तो रेचल तुम्हारी हो सकती है बगैर मोहर के भी। लबान मान जाएगा? लबान बेरहम नहीं। लेकिन हराम के कानून नहीं मानेंगे। खैर, वहां भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्योंकि तुम भी मेरी मदद कर रहे हो। खिदमत भी तो एक तरह का मुआवजा ही है, तो खिदमत करने को तैयार हो? ऐसी जिस पर लवान ही नहीं पूरे हारान को नाज हो। कर सकता हूं मामू, ऐसी मेहनत कि आपके सारे ख्वाब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। मैं अपनी मेहनत का पसीना मोहर के तौर पर देता हूं। अब सवाल ये उठता है कि कब तलक? कल को तुम्हारा भाई उसका गुस्सा कम हो गया तो तुम्हारा तो पसीना हवा हो जाएगा, फिर मैं कहां, रेचल कहां और तुम कहां और मोहर। तुमने सही कहा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने का रास्ता छोटा और तंग गली से होके गुजरता है। सात बरस खिदमत करने को तैयार हो? दिखा दो हारान को कि जेकब की खिदमत से गरीब लबान भी अमीर हो सकता है। बोलो, है मंजूर? मुझे मंजूर है। रेचल के बदले सात बरस तक मैं अपनी मेहनत का पसीना मोहर के तौर पर। ना 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 ना, सात बरस की तुम्हारी मेहनत मोहर के तौर पर है शादी से पहले, उसके बदले मैं रेचल का हाथ तुम्हारे हाथ में लूंगा। दरअसल जिस रोज सात बरस पूरे होंगे उसी रोज रेचल की शादी तुम्हारे साथ कर दी जाएगी। मंजूर है? बिला शक तुम्हें मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी तंग गली और है। तुमने कहा मंजूर, मैंने कहा मंजूर, हवा ने सुना और उड़ा दिया। भले आदमी, सात बरस की मेहनत के बाद अगर मैं मुकर गया तो तुम क्या कर लोगे?
लेकिन तुम्हारे हुकूक की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। भला हो हम मुरब्बी का, उसने हर वादे को कानून बना दिया है। कल सुबह मंदिर में चलते हैं और अपने वादे को पत्थर की लकीर बना देते हैं, लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। 7 बरस की मोहर मेरे लिए और मोहर के बाद शादी और मेरी बेटी तुम्हारे लिए दर्ज हो जाएगा। जैकब, तुमने क्या किया? 7 साल जिंदगी के 7 साल तुमने मेरे लिए दे दिए, मेरे खाते। मैं हो ही क्या जैकब? मैं शर्म से मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे 7 साल के गुलामी के काबिल नहीं हूँ। जैकब, जैकब, जिस तख्ती पर तुमने अपनी मोहर लगाई, वो तख्ती, वो जलती हुई तख्ती मेरे सीने पर 7 साल रखी रहेगी। तुमने ये क्यों किया जैकब? जैकब, जैकब, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मगर मगर इस दर्द से बचने के लिए तुमने इतनी बड़ी आफत मोल ले ली और वजह मैं बनी। मैं कैसे जीऊंगी जैकब? मैं कैसे जीऊंगी? ये दर्द नहीं, मोहर, मेरा मोहर तुम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। पहली बार जब मम्मी ने तुम्हारा नाम लिया था, रेचल, तो मेरे दिल ने कहा था कि तुम ही मेरी मंजिल हो। रेचल, 7 बरस अपनी जिंदगी के मैं जमीन को सींचूंगा अपने पसीने से, तुम्हारे आंसुओं से नहीं। जाओ जाओ रे, जा। तक तो जिया औरों के
लिए जो कुछ भी किया था फर्ज मेरा। ऐसा जानकार और कमाल का चरवाहा तो मैंने पूरे हरार में नहीं देखा, है ना आपा?